500 और 1000 रुपए के नोट बदलने का काम बैंकों और डाकघरों में शुरू हो गया है। आज हर जगह बैंकों और पोस्ट ऑफिसों के सामने लंबी कतार दिख रही है। कई लोगों को 2000 और 500 के नए नोट के दर्शन हुए तो कई लोग सुबह से ही भूखे प्यासे नोट बदलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब खबर ये आ रही है कि 1000 के नए नोट भी जारी किए जाएंगे। कई जगहों पर बैंक देर से खुलने की बात कही जा रही है तो कई जगहों पर कैश ना होने की शिकायत आ रही है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जिन लोगों के पास ज्यादा अघोषित संपत्ति है उन्हें टैक्स लॉ के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से लोग घबराएं ना, इस बार जनता की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार भी बैंक खुले रहेंगे। लोगों तक जल्द ही नई करेंसी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे। यही नहीं, बैंक कर्मी अगले 3 दिनों तक रात 9 बजे तक काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की 500 और 1000 का नोट रातों रात बंद करने की घोषणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सरकार के आदेश को मनमाना और गैर कानूनी बताते हुए रद्द करने की मांग हुई है। साथ ही कहा गया है कि कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वह आम नागरिकों, किसानों और गरीबों को जरूरी काम जैसे शादी समारोह, इलाज आदि पूरे करने के लिए समुचित समय दे। 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच हजारों शादियां हैं, ऐसे में इस फैसले का उस पर असर होगा। 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सरकार ने कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए रातों रात नोट बदली की घोषणा तो कर दी, पर इसका असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और अब देखना यह है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। देखते रहिए डीबी लाइव।